हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल मोनिका अकेडमी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का एक और टॉपिक विच इज़ जैनिज्म। बुद्धिज्म हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जैनिज्म। जैन धर्म की शुरुआत जो है वो 6th century में हुई थी। जैन शब्द जो है वो जिन से बना है, जिसका मतलब होता है विजेता। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थांकर हुए हैं। सब के सब तीर्थांकर जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और सभी क्षत्रिय थे। तो सबसे पहले आते हैं जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थांकर, जिनका नाम था ऋषभदेव, जो कि फाउंडर भी कहलाते हैं जैनिज्म के। उसके बाद आते हैं 23वें तीर्थांकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया था और इनकी चार मुख्य शिक्षाएं हैं। सबसे फर्स्ट है हिंसा ना करना, दूसरा है चोरी ना करना, तीसरा है झूठ ना बोलना और सबसे लास्ट है संपत्ति का अर्जन ना करना, यानी कि अपने पास संपत्ति नहीं रखना। 100 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद बात करते हैं जैन धर्म के अंतिम तीर्थांकर और 24वें तीर्थांकर महावीर स्वामी की। इनको ही जैन धर्म का एक्चुअल फाउंडर भी कहा जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके परिवार की बात करें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशिला था। बाद में महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नाम की कन्या से होता है और उनसे उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। बाद में अनुजा प्रियदर्शिनी का विवाह जामिल नाम के एक क्षत्रिय से होता है और जामिल ही वो पहले व्यक्ति थे जो महावीर स्वामी के अनुयायी बने थे। जब महावीर स्वामी की आयु 30 वर्ष की होती है तब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और उसके बाद उन्होंने गृह त्याग करके संन्यास को ग्रहण किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद एट द एज ऑफ 42 महावीर स्वामी को जम्बिक गांव के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन यानी कि विजेता, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपने सर्मन यानी कि उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। उन्होंने अपना पहला सर्मन पावा नाम की जगह पे दिया था अपने 11 अनुयायियों को और बाद में उनके ये 11 अनुयायी जो थे वो गंधर्व कहलाए। एट द एज ऑफ 72 468 BC में महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त कर लिया था पावा नाम की जगह पे, जो कि पटना के पास है। अब बात करते हैं जैनिज्म की टीचिंग्स की। जैन धर्म के अनुयायी गॉड यानी कि भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। वो लोग सोल यानी कि आत्मा में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि संसार में आने के बाद प्राणी जो है वो अपने कर्मों के हिसाब से ही सुख और दुख को भोगता है। हमारा कर्मफल ही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण बनता है और कर्मफल से छुटकारा पाए बिना हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं जिसके बाद हम अपने कर्मफल से छुटकारा पा सकते हैं। तो त्रिरत्न में सबसे पहला आता है सम्यक श्रद्धा। जितने भी तीर्थांकर हैं उनकी कही हुई जितनी भी बातें हैं उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। त्रिरत्न में दूसरा आता है सम्यक ज्ञान, यानी जैन धर्म के जितने भी बिलीव्स हैं आपको उनको फॉलो करना है, उन पे विश्वास रखना है आपको। और तीसरा आता है सम्यक आचरण। आपका आचरण जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और आपको जैन धर्म के 5 vows को फॉलो करना है। अब बात करते हैं जैनिज्म के 5 vows की, यानी कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों की। उसमें सबसे पहले आता है अहिंसा। जैन धर्म को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं वो कभी भी हिंसा नहीं करते, ना ही अपनी बातों से ना ही अपने कर्मों से। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। इसमें दूसरा आता है सत्य। हमेशा आपको सच बोलना है। जितने भी फॉलो करने वाले हैं जैनिज्म को वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, ना ही कभी झूठ सुनते हैं और ना ही झूठ बोलने वालों का कभी भी साथ देते हैं। इसके बाद थर्ड आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। आप कभी भी किसी के भी यहाँ पे चोरी नहीं कर सकते। चोरी करना जो है वो जैन धर्म में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। आप किसी भी दूसरी वुमेन को गलत नज़रों से नहीं देख सकते। आपको उसे अपनी मदर या फिर अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करना है। इससे लास्ट यानी कि 5th आता है अपरिग्रह, जिसका मतलब होता है संग्रह ना करना।
जैन धर्म के जो भी अनुयायी हैं वो सिर्फ अपना ज़रूरी सामान ही अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा उनके मन में कोई भी लालच नहीं आना चाहिए किसी चीज़ को भी इकट्ठा करने के लिए। इसे कहा गया है अपरिग्रह। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज की। जैन स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि जो हमारी नॉलेज है वो 5 टाइप्स की होती है। उसमें सबसे फर्स्ट आता है मति ज्ञान। मति ज्ञान का यहाँ पे मतलब है कि हम जो भी नॉलेज जो है उसे ग्रहण करते हैं वो थ्रू हमारे सेंस ऑर्गन्स के और हमारे माइंड के थ्रू हमारे अंदर आती है। इसे इनडायरेक्ट नॉलेज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारी सोल जो नॉलेज एक्वायर कर रही है वो थ्रू सेंस ऑर्गन और थ्रू माइंड कर रही है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है शुद्ध ज्ञान, यानी कि जो चीज़ आप सुनकर ग्रहण कर रहे हो, आप स्क्रिप्चर्स को सुन रहे हो और फिर आप अगर नॉलेज ग्रहण कर रहे हो तो उसे कहेंगे हम शुद्ध ज्ञान। इसमें थर्ड पॉइंट आता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब होता है कि आप विदाउट सेंस ऑर्गन, विदाउट आप अपने माइंड के जो नॉलेज डायरेक्ट किसी सब्सटेंस को टच करके ग्रहण कर रहे हो उसे कहेंगे हम अवधि ज्ञान। इसे ही डायरेक्ट नॉलेज और डिवाइन नॉलेज भी कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है मनः प्रविज्ञान। इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे पर्सन के ब्रेन की नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप उससे कुछ सीख रहे हैं। इसका लास्ट पॉइंट आता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब है ओमनी साइंस, मतलब सर्वज्ञानी। इसमें व्यक्ति जो है वो सुप्रीम नॉलेज को पा लेता है, मतलब सर्वज्ञानी बन जाता है। आइए अब बात करते हैं जैन काउंसिल्स की। जैन काउंसिल्स, फर्स्ट जैन काउंसिल 300 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी चेयरमैनशिप की थी स्थूल भद्र ने। और जिस राजा के शासनकाल में ये काउंसिल हुई थी वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इस काउंसिल का रिजल्ट आया था कॉम्पिलेशन ऑफ 12 अंगाज। इसमें 12 अंगों का संग्रह किया गया था। सेकेंड काउंसिल 512 AD में हुई थी, जगह का नाम था वल्लभी और चेयरमैनशिप की थी इसमें देवर्दी कशमा श्रमाना ने। इसका रिजल्ट आया था फाइनल कॉम्पिलेशन ऑफ 12 अंगाज एंड 12 उपअंगाज। इसमें जो 12 अंग और जो 12 उपअंग हैं उनका संग्रह किया गया था। आइए अब बात करते हैं जैन लिटरेचर की। जैन लिटरेचर की बात करें तो उसमें सबसे पहले है कल्पा सूत्रास, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में भद्रबाहु ने लिखा है। उसके बाद है भद्रबाहु चरिता और उसके बाद है परीक्षिता पर्वन, जो कि हेमचंद्र ने लिखा है। जैन धर्म में आगे चल के उसके अनुयायियों की जो सोच थी वो कुछ बदल गई, इसलिए यहाँ पे जैनिज्म की दो शाखाएं बन गई। उसमें एक था हीनयान और दूसरा था महायान। जैनिज्म की दो शाखाओं में एक है श्वेतांबर्स, दोस हु पुट ऑन वाइट रोब्स, वो लोग जो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं उन्हें कहते हैं स्थूल भद्रा, यानी श्वेतांबर्स जो हैं उनको स्थूल भद्र भी कहा जाता है। दूसरी शाखा है दिगंबर्स, दोस हु वर स्टार्क नेकेड, दिगंबर जो हैं वो अपने शरीर पर एक भी कपड़ा धारण नहीं करते और इन्हें ही भद्रबाहु भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जैन आर्किटेक्चर की। तिलवाड़ा टेम्पल्स, ये माउंट आबू राजस्थान में है। गिरनार एंड पलिताना, ये गुजरात में है। गोमतेश्वर बाहुबली श्रवण बेलगोला कर्नाटका, तो गोमतेश्वर की बहुत बड़ी मूर्ति कर्नाटका में है। सम्मेश शिखर जो है वो गिरधी झारखंड में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।